हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से आएंगे क्लास में सभी। चलिए आ जाइए जल्दी से क्लास में, फिर अपनी क्लास को एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया जाए। और एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ, आवाज जो है बिल्कुल क्लियर है और वीडियो जो चल रही है आपके सामने वो भी एकदम क्लियर है। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, क्लास बिल्कुल क्लियर चल रही है। ठीक है, और आपको जल्दी से फटाफट से हम बता दें आपको कि जो ये क्लास हो रही है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ कराएंगे वो एकदम बिल्कुल से न्यू क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको कहीं क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस क्वेश्चन की जो डिटेल्स होगी, जैसे अगर कोई कलाकार आ जाता है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, कोई भी कलाकार आपके सामने आता है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे वो सभी हम एक ही पॉइंट में करवा देंगे। ठीक है, तो जितना फैक्ट आपको बताया जाए, या तो आप लोग एक काम करिए, कॉपी लेकर बैठिएगा, बहुत रामबाण चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि एक कॉपी लेकर बैठिएगा, जितने हम फैक्ट बताएं उसको शॉर्टकट में, मतलब तीर लगाते हुए जल्दी जल्दी फटाफट से लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि जो यहां पर हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल से न्यू होगा, और जो न्यू होगा वही पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो आपको ये जो क्लास हो रही है, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बस दिमाग में एक चीज लेकर ही क्लास को पढ़ना कि ये क्लास से हमें 100% आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखकर ही आपको क्लास लेनी है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि हाँ, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। जी ठीक है, क्लियर है सब? शाबाश, वेरी गुड। तो रेडी है ना सभी बच्चे, स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्लास हो रही है वो केवल किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं हो रही है, ये सारे एग्जाम को कवर करते हुए पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, ईएमआरएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेट हो, और जो भी नेट वगैरह होता है, उन सबको टारगेट करके ये क्लास पढ़ाई जा रही है आपको। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस चीज से वाकिफ होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सभी इवनिंग, वेरी गुड। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। और हाँ, एक चीज और, सभी बच्चों को, हो सकता है काफी बच्चों को मालूम नहीं हो कि क्लास चल रही है। ठीक है, एक चीज और, जल्दी से सभी लोग सभी जगह एक बार मैसेज डाल दीजिए कि वैष्णवी मैम लाइव क्लास आ चुकी हैं और जितनी क्वेश्चंस करवा रही हैं वो बिल्कुल से रामबाण हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं अपनी क्लास में, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ मैम लाइव हैं, बिल्कुल डेली लाइव होंगी मैम, डेली लाइव होंगी, इसलिए अब बिल्कुल से धमाका शुरू हो चुका है और एग्जाम को बिल्कुल से नस्ते नाबूद करना है, तो बिल्कुल आप लोगों को डेली टाइम पे जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक, चलिए वेरी गुड, चलिए हाँ ठीक है, चलिए अब हम होते हैं गायब और लाते हैं बिल्कुल धमाकेदार तरीके से न्यू क्वेश्चन। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे, एक साथ आंसर करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी यहां पर। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे सभी के आंसर आपको बिल्कुल धमाकेदार तरीके से देने हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर भी आने लगे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलिए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। पूछा गया है 1950 में डीलिट पुरस्कार किसको मिलता है, तो याद रखना है ये मिलता है नंदलाल बोस को मिलता है। ठीक है, याद रखना है नंदलाल बोस को, सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किसने दिया था, बीएचयू, ये भी याद रखना है, किसने, बीएचयू ने नंदलाल बोस को इस उपाधि से सम्मानित किया था, किससे, डीलिट से।
ठीक है, आगे बात करेंगे। ये बात हो गई 1950 की। 1952 में क्या होता है ये भी याद रखना है कि 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है देसी कोत्रम, क्या नाम है देसी कोत्रम, इससे भी सम्मानित किया था। अरे भाई, देसी कोत्रम से सम्मानित किसको किया गया है, नंदलाल बोस को। कब? 1952 में। और किसने, मतलब किसने सम्मानित किया है, तो विश्व भारती ने किया है, ठीक है, याद रखना है। फिर क्या होता है 1953 में, ये 50 की बात हुई, 52 की बात हुई, अब 1953 की बात आती है। 1953 में क्या होता है ये भी समझिए। 1953 में क्या होता है कि शांति निकेतन आश्रमिक संघ, एक संघ है शांति निकेतन आश्रमिक संघ, इसने ये जो आपके नंदलाल बोस हैं इनके सम्मान में अर्ध्यदान उत्सव का भी आयोजन शुरू किया था। किसने? अर्ध्यदान उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अर्धदान उत्सव किसने स्टार्ट किया था 1953 में किया था, किसने? शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने, ठीक है। किसका आयोजन? अर्धदान उत्सव का। किसके सम्मान में किया था? नंदलाल बोस के सम्मान में किया था, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? 1954 तक क्लियर हुआ। फिर क्या होता है इनको दोबारा से 1957 में, क्या होता है 1957 में इनको दोबारा से डीलिट का उपाधि दी जाती है, लेकिन इस बार बीएचयू नहीं देता है, इस बार कोलकाता विश्वविद्यालय इनको डीलिट की उपाधि देता है। कौन? कोलकाता विश्वविद्यालय ने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि कब दी, तो याद रखना है 1957 में दी, ठीक है। क्लियर हुआ? हर पॉइंट को सुनते हुए चलना है। फिर क्या होता है, जस्ट एक साल बाद क्या होता है 1958 में, बिल्कुल से रामबाण चीजें चल रही हैं, ठीक है। सभी तक एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। 1958 तक की बात हो गई, वेरी गुड। चलिए, तो 1958 में क्या होता है, नंदलाल बोस को रजत जयंती पदक भी दिया जाता है। कौन सा पदक? रजत जयंती पदक भी दिया जाता है। कब? 1958 में दिया जाता है। और इसको देने वाले कौन है, तो ललित कला अकादमी ने नंदलाल बोस को रजत जयंती पदक दिया था। कब दिया था? 1958 में दिया था। यहां तक क्लियर हुआ? फिर जस्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा बढ़ के, तो 1963 का टाइम आता है। 1963 में क्या होता है, फिर से इनको एक डीएलएड की उपाधि मिल जाती है। किसकी? डीएलएड की उपाधि फिर से इनको मिल जाती है 1963 में। लेकिन इस बार कौन देता है? पहली बार में बीएचयू ने दे दिया, दूसरी बार में कोलकाता विश्वविद्यालय ने दे दिया, अब तीसरी बार में जो आते हैं महोदय वो कौन है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। कौन सा? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। इन्होंने नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। कब की थी? 1963 में की थी। यहां तक क्लियर हुआ? जस्ट दो साल बाद आता है 1965 का टाइम। जितना बता रहे हैं बिल्कुल से रट लेना, बुक्स ले लो, कॉपी ले लो, आराम से पेन ले लो, खिंचाते चलो जितना बता रहे हैं बस, ठीक है। 1965 का टाइम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें इनको एक पदक दिया जाता है जिसका नाम है रविंद्र शताब्दी पदक। क्या दिया जाता है? रविंद्र शताब्दी पदक दिया जाता है नंदलाल बोस को। कब? 1965 में। और ये किसने दिया था, तो याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने इनको पदक दिया था। कौन सा? रविंद्र शताब्दी। क्लियर हुआ यहां तक? बताइए, तो यहां से जितना भी नंदलाल बोस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हमने आपको बता दिया। अगर आप लोग कहें तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें फटाफट से। याद रखना है 1950 में बीएचयू ने डीलिट की उपाधि दी। किसको? नंदलाल बोस को दी। फिर 1952 में क्या हुआ, विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशी कोत्रम से सम्मानित किया। फिर आता है 1953 का टाइम, शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने नंदलाल बोस के सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। फिर आता है 1954 का टाइम। 1954 में क्या होता है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिर आता है नेक्स्ट टाइम 1957 का, इनको फिर से डीलिट की उपाधि मिल जाती है कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा। और फिर आता है 1958 का टाइम जिसमें रजत जयंती पदक मिलता है ललित कला के द्वारा, ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट 1963 का टाइम, इसमें डीलिट की उपाधि मिलती है फिर से, और देने वाले कौन है इस बार? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टाइम 1965 का, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने वसु को रविंद्र शताब्दी पदक दिया था।
क्लियर हो गया यहां तक, रिवाइज करवा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत माता को चित्रित करने वाले कौन है, बताइए जल्दी से फटाफट से। सभी तक एक बार बात पहुंचा दीजिए कि वैष्णवी मैम आ चुकी हैं बिल्कुल से फुल फॉर्म में, और यहां से जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे यही सीधे एग्जाम में फंसेंगे, 100% गारंटी है, बताइए। चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया है, शाबाश आंसर जिसने जिसने अवनींद्रनाथ टैगोर दिया है, बहुत अच्छा दिया है। देखिए भारत माता को बनाया जाता है कौन सी पद्धति में, वॉश पद्धति में। बनाया कब जाता है, 1905 में बनाया जाता है। चित्र का नाम क्या है, भारत माता है। बनाने वाले कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है? और इन्होंने ही क्या होता है, 1905 में तो भारत माता बना दिया, लेकिन 1902 का जो टाइम होता है, 3 साल पहले इन्होंने एक बनाया था चित्र जिसका नाम है शाहजहां की मृत्यु। क्या है, शाहजहां की मृत्यु, ये भी इन्होंने ही बनाया था, किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखना है। और एक और चीज है, एक और चीज है कि अच्छा आप लोग बताइए हमें, अब आप लोग हमें थोड़ा एक क्वेश्चन बताइए कि मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, इसमें जो एक चित्र है ध्रुव, इसको मतलब किसने प्रकाशित किया था, बताइए। ध्रुव चित्र है, ध्रुव चित्र नाम है, ये 1914 में प्रकाशित किया जाता है मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में, इसको किसने प्रकाशित किया था, मालूम है किसी को, बताएंगे जल्दी से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, आप लोग क्योंकि बहुत धीमा चलते हैं, ठीक है? इसको प्रकाशित करने वाले थे असित कुमार हलदार, कौन थे, असित कुमार हलदार थे, ठीक है? हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आंसर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो एक क्वेश्चन और बताएंगे जल्दी से, अनारकली को चित्रित किसने किया है, जल्दी से बताएंगे, अनारकली को चित्रित करने वाले महोदय कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखें किसको पता है अनारकली को चित्रित किसने किया है, बताइए। और साथ में आपको बताना है कि बाल रूम डांस के चित्रकार कौन है, यही बता दीजिए आप लोग जल्दी से, बाल रूम डांस के चित्रकार कौन है ये भी बताना है आपको, पहली बात तो ये बनता कब है, ठीक है, शाबाश वेरी गुड। चलिए आंसर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अनारकली को बनाया है किसने, चुगताई ने, अब्दुल रहमान चुगताई ने, ठीक है, याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा बाल रूम डांस, इसको बनाने वाले कौन है, तो याद रखना है गगनेंद्र महोदय है, कौन है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और जल्दी से बताइए, शिव की मुखाकृति इसके चित्रकार कौन है, शिव की मुखाकृति इसको बनाने वाले कौन है, जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं सच में फंसने वाले हैं, जो छोड़ेगा पछताएगा बाद में, बताइए जल्दी से, शिव की मुखाकृति इसके चित्रकार कौन है, तो याद रखना है ये है कौन, बीसी सान्याल, कौन है ये, बीसी सान्याल है जिन्होंने शिव की मुखाकृति को बनाया है, ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं जल्दी से फटाफट से, आप लोगों को बताना है डॉटर ऑफ द सॉइल इसके चित्रकार कौन है, फटाफट से बताएंगे, डॉटर ऑफ द सॉइल इसके चित्रकार कौन है, बताओ जल्दी से, डॉटर ऑफ द सॉइल, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए हाँ बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब तक इसका बताइए, जिसने जिसने दे दिया है उसका। दूसरा आपको चित्र बताना है शिव और सती की यात्रा, शिव और सती की यात्रा इसको बनाया किसने है, जितने पढ़ाएंगे सिलेक्टेड होंगे और यही आएंगे, ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छा। तो डॉटर ऑफ द सॉइल जो बनाने वाले हैं वो है सुधीर रंजन खास्तगीर, कौन है, सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया है, याद रखना है डॉटर ऑफ द सॉइल। और जो हमने नेक्स्ट पूछा है शिव और सती की यात्रा, इसको बनाने वाले हैं शारदा चरण उकील, किसने बनाया है, शारदा चरण उकील ने बनाया है, क्लियर हुआ ये दोनों क्वेश्चन, हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है श्रमजीत ये किस चीज से बनाई गई है, बताइए जल्दी से, और इसको बनाने वाले कौन है ये भी बताना है, ठीक है, हाँ सभी लोग बताएंगे, शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बताइए। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक सब कुछ करते हुए चलना है, और ये दिल बिल्कुल से उड़ाते हुए एकदम लगना चाहिए कि हाँ चल रही है क्लास, बहुत अच्छे वेरी गुड। तो याद रखना है इसको बनाया है गया है किसमें,
तो याद रखना है इसको पीतल में बनाया गया है, श्रमजीत, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बनाने वाले कौन है? डीपी राय चौधरी है। कौन है? डीपी राय चौधरी ने बनाया है इसको। क्या नाम है? श्रमजीत, या फिर दे दे श्रम की विजय, इसी को बोलते हैं श्रम की विजय, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम श्रम की विजय बोलते हैं। क्लियर हुआ? और एक चीज याद रखिएगा, पीतल में बनाया गया है, ठीक है। और हाँ, डीपी राय चौधरी की ही एक प्लास्टर में निर्मित मूर्ति है जिसका नाम है जब शीत ऋतु आती है। क्या नाम है? जब शीत ऋतु आती है। दूसरी इसकी मूर्ति का नाम है, इन्हीं की दूसरी मूर्ति का नाम है सड़क बनाने वाले। ये तीन मूर्तियां बहुत फेमस हैं, तीनों के नाम बताए दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये दो जो दो मूर्तियां हैं ना, उनका हम नाम बता देते हैं, याद रखना है। पहली मूर्ति का नाम है जब शीत ऋतु आती है, और दूसरा है, दूसरी मूर्ति है सड़क बनाने वाले, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि डीपी राय चौधरी ने एक व्यक्ति चित्रण बनाया है, कौन सी शैली में बनाया है, मालूम है किसी को? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, आ जाओ। बहुत अच्छे, चलिए आंसर की बात करेंगे। तो देखिए, डीपी राय चौधरी जो हैं, इन्होंने यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्र बनाया है। कौन सी शैली में? याद रखना है, यथार्थवादी शैली में व्यक्ति चित्र बनाया है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा इनकी मृत्यु कब होती है, मालूम है किसी को? डीपी राय चौधरी की मृत्यु हो जाती है, कब होती है ये बताने वाले कौन है? बताइए जल्दी से, अरे मेरे पागलो। चलो आंसर की बात कर लेते हैं। याद रखना है, इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 में होती है, और कहां होती है? कोलकाता में होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ 10 दिनों में भूल गई सब, शाबाश, बहुत अच्छा। ऐसे ही भुलक्कड़ हो ना, तभी तो याद दिलाना पड़ता है। चलो इसका तो आंसर पहले ही आ गया है, चलो हम लुका देते हैं इसको। चलिए बताओ जल्दी से, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है, बताओ फटाफट से। हाँ, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए, जितना पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड होगा, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। चलो हाँ, आंसर की बात करेंगे। बहुत अच्छा दिया है आंसर, है आपका ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं। इसमें मतलब मजा आ जाता है इनके बारे में जब पढ़ा जाता है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के साहित्यिक क्रांतिकारी विचारों को जो है ना, ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लीजिए, आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से, बताओ जल्दी से फटाफट से कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। क्या ये सही बात है या फिर गलत बोला गया है? फिर पूछा गया है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है, क्या ये सही है? हमें तो लगता है गलत है, बताइए क्या ये सही है? हाँ, शाबाश, आंसर करते रहो, हमें चिल्लवाओ नहीं यार, बहुत मतलब मेहनत लगती है बोलने में। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। चलिए देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल सही दिया है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, उसी से प्रेरणा लेकर इन्होंने भारत माता शीर्षक से एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत माता चित्र में चार हाथ होते हैं, ठीक है, याद रखना है, कितने हाथ हैं? चार हाथ हैं, और एक हाथ में ये माला लिए हैं। देखिए, पूछा जा सकता है चित्र के बारे में, याद रखिएगा, चार हाथ हैं, चारों हाथों में क्या क्या लिए हैं ये याद रखना है। एक हाथ में माला लिया है, दूसरे हाथ में कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है, क्या लिया है? कपड़ा लिया हुआ है। तीसरे तीसरे हाथ में बुक्स मतलब पुस्तक ली हुई है। चौथे हाथ में गेहूं लिया हुआ है, ठीक है, गेहूं। तो इस तरह से ये चारों हाथ में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, और इसमें एक महिला को खड़े रूप में दिखाया गया है, ठीक है, याद रखना है, मतलब गेहूं लिए हुए हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये कौन सी पद्धति में बनी है? तो याद रखना है, ये जो है ना, ये वॉश पद्धति में बनी है। कब बनी है? 1905 में बनी है, ये तो बता ही चुके थे पहले, ठीक है। हाँ, माला कपड़ा, कपड़ा क्या लिखे हैं, माला बुक कपड़ा जाऊ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाओ, हाँ शाबाश। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया है, उसका नाम क्या है, बता दो जल्दी से फटाफट से।
लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही, स्पीड में क्लास हो रही है और हाँ एकदम जानदार क्लास है। बताओ जल्दी से फटाफट से, सिक्स का सभी के आंसर आने चाहिए जितना पूछेंगे, वरना हम समझेंगे बिल्कुल से लो कैटेगरी है आपकी पढ़ने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है, डॉक्टर ए के स्वामी, ठीक है, ए के कुमार स्वामी, याद रखना है, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी है, ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड वेरी गुड, इन्होंने जो है ना बंगाल शैली का बहुत प्रचार चित्रों के द्वारा प्रचार वगैरह किया था, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी की अगर जन्म की बात करें तो कब होता है जन्म, जल्दी से बताओ, 22 अगस्त, सन बताओ जल्दी से फटाफट से। इनके जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ होता है, कब होता है, बताओ जल्दी से, कहाँ होता है कब होता है, जल्दी से छापेंगे सभी लोग, हाँ सभी लोग, सभी लोग फटाफट से बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा निरंकारी, वेरी गुड बहुत अच्छा, शाबाश वेरी गुड, 1877 में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, अरे मेरे गधो पगलो, कोलंबो में, कहाँ होता है, कोलंबो श्रीलंका में, पगलो श्रीलंका में होता है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है, नहीं बोला गया है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, बताइए, नहीं है पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए जल्दी से फटाफट से। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ इसका करेंगे आंसर, अरे सेवेंथ पे आओ, सब भूल गए हो, सब कुछ भूल चुके हैं, मतलब कि थोड़ी सा रिवीजन नहीं करवा पाए हम इसका तो सब भूल चुके हैं। चलो आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए भारतीय परंपरा के आधार पर भी इन्होंने काम किया है, सुंदर रंग योजना भी बनाई हुई है, अजंता पेंटिंग्स का भी इनको मतलब प्रभाव देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए बंगाल शैली की विशेषता जो है ना वो ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, याद रखना है। और बंगाल शैली की स्थापना की बात की जाए, शताब्दी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है 19वीं शताब्दी में होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा होता है, पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है, याद रखना है। चलिए अच्छा जल्दी से एक ग्रंथ बता दीजिए, किसने मतलब किसके द्वारा रचा गया है, जिसका नाम है भारत शिल्प, बताइए जल्दी से, भारत शिल्प रत्न ग्रंथ को किसने लिखा है, बताइए जल्दी से, भारत शिल्प रत्न सॉरी भारत शिल्प जो है ग्रंथ, इसको लिखने वाले कौन है, बताइए। अब थोड़ा बहुत तो बता दिया करिए भाई आप लोग, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाँ अरे मेरे पगलो, पता था पता था, उल्टा सीधा आंसर जरूर आएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, भारत शिल्प ग्रंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सब भूल चुके हो, बिल्कुल जीरो है तैयारी, पेपर देने को बैठे हैं। चलो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे, बताइए, अभी यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं बता पाते आप लोग, चलिए बताइए, बिल्कुल आंसर तो बहुत अच्छे से दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, क्योंकि रटे हुए हैं, ऑप्शन ए ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बिल्कुल सही दिया है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, देखिए बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे ना उन्होंने वॉश टेक्निक का प्रयोग किया था, ठीक है, और वॉश टेक्निक की रेखाएं जो हैं वो भारतीय कलाओं से प्रेरित थी, और टेक्निक यहाँ पूछी जाती है, कौन सी टेक्निक में बना है बंगाल स्कूल में, तो याद रखना है ये है आपका चीनी जापानी टेक्निक में यहाँ पर हमें कला मिलती है, ठीक है। और बंगाल शैली के विकास की बात की जाए, क्योंकि विकास जो है टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है बंगाल शैली का विकास होता है 1905 से 1920 के बीच में, ठीक है, कब होता है 1905 से 1920 के बीच में, ठीक है। और बंगाल शैली के कुछ कलाकार जैसे पूछ लिए जाते हैं कौन कौन है, तो छितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, शैलेंद्र डे और शारदा उकील हो गए अपने, और रविशंकर रावल, ए आर चुगताई, के वेंकटप्पा, ये सब जो है ना ये सब आपके बंगाल शैली में काम करने वाले कलाकार हैं, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बताइए कि बंगलार व्रत ये ग्रंथ किसने लिखा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है, बताएंगे सभी लोग, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है, सभी बताएंगे, बंगलार ग्रंथ किसने लिखा है, मालूम है किसी ने किसी को, वेरी गुड, अवनींद्रनाथ टैगोर,
टैगोर ने लिखा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है भारत शिल्प जो लिखा है वो भी इसी ने इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। पूछ लेगा सडंग इसको किसने लिखा है, ये भी इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है बंगाल स्कूल के, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है, बताइए कौन है अग्रणी। बीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, क्या होगा आंसर? हाँ चलिए, बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन है, तो पढ़ चुके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो पूछा जा रहा है आपसे भारत माता के चित्रकार कौन है, बताइए। बहुत बार पढ़ चुके हैं, फटाफट से करेंगे इनका आंसर। दसवें पे आइए जल्दी से, स्लो नहीं चलना है बिल्कुल, ये टुक टुक नहीं, आंसर करते हुए चलना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? सभी लोग बताएंगे किसने किया है, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। कुछ भी पूछ ले आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया है बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे, बताइए। हाँ चलिए आ जाइए जल्दी से, आप लोग मैसेज कर दीजिए सभी को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आपका बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ही होगा आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए आ गया क्वेश्चन, पूछा गया है आपसे अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आंसर आपका बी सही होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया है उसका नाम क्या है, बताइए। कैंटिस कुमार स्वामी है, मुल्कराज आनंद है, केशव मलिक है, देवी प्रसाद है, बताइए। बंगाल अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि प्रचार किया था इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से, बताइए किसने किया था? बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, बताइए। पूछा गया है कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है, क्या यह सही बात लिखी है, क्या ऐसा है? देखिए आदिमवाद और पर्यावरणवाद कला भवन जो है शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, ये तो बहुत सही बात है, ठीक है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत के वीरभूम जिले में स्थित है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और आदिमवाद और पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत भी थे, ये बिल्कुल सही है। और शांति निकेतन को चित्रकला की बंगाल शैली का गढ़ भी माना जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दिया है ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए होगा। आगे नेक्स्ट है, पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो कहां से स्टार्ट होता है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। बताइए क्या होगा, सभी बताएंगे आंसर, स्टार्ट कहां से होता है, बंगाल, क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और मतलब बंगाल शैली का जन्म जो है ना वो इन्हीं के द्वारा माना जाता है, ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांति मतलब क्रांतिकारी विचारों के द्वारा ईवी हैवेल के भारतीय कला के प्रति उदार मतलब व्यवहार के द्वारा ही ये बंगाल शैली का भी जन्म होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेरी गुड, नेक्स्ट है आर एन टैगोर चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में होती है, कहां पर होती है? पेरिस, जापान, मुंबई, कोलकाता, बताइए। हाँ सभी लोग टाइम से करें, ठीक है, और आप लोग सभी तक मैसेज पहुंचा दीजिए ताकि सभी बच्चों को मालूम चल सके कि हाँ यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ये दिल उड़ते रहने चाहिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए होगा,
पेरिस में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है ये बताइए जल्दी से, इनका जन्म कहाँ होता है और कब होता है ये भी बताना है। ठीक है, जन्म कहाँ होता है कब होता है ये भी बताना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी लोग छाप के बताइए जल्दी से, करेंगे आंसर, इनका जन्म कब होता है। वेरी गुड, किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर जो आ रहा है 1862 से 1838 का टाइम आ रहा है, शाबाश। और किसी का आंसर नहीं आया है। देखो बात करते हैं जन्म की, तो याद रखना है इनका जन्म 1861 में होता है। कहाँ होता है तो याद रखना है ये जोरांसको कोलकाता में इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये 67वें साल में इन्होंने चित्रकारी पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, और 1926 के करीब इन्होंने कपड़े के टुकड़े या फिर उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद में कुछ रंगों का उपयोग करने लगे, और फिर क्या होता है कि 1930 ईस्वी में इनकी चित्रकला के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है वो पेरिस में लगाई जाती है, और पेरिस में भी कहाँ, पिगाल में। ठीक है, याद रखना है, चलिए वेरी गुड। और इसकी जो प्रदर्शनी होती है ना पेरिस में, इसकी जो प्रशंसा की जाती है ये यूरोपियों के द्वारा खूब प्रशंसा भी की जाती है इसकी। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए जल्दी से, हाँ टाइपिंग में मिस्टेक होती है रहती है, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं भावनाओं को, चलिए आ जाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वो किस नाम से जाना जाता है बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे। और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है कहां होता है ये भी बताना है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका क्या संबंध है ये भी बताना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका, कहेंगे ये है बंगाल स्कूल। ठीक है, बंगाल स्कूल हो जाएगा आंसर। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है कहाँ होता है ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है हमने कि रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका क्या संबंध है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चाचा भतीजा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। इनके जन्म की बात करेंगे तो 1871 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, जोरांसको में होता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके चाचा थे। ठीक है, और इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा जो है ना वो इटालियन कलाकार हैं जिनका नाम है गिलहार्डी, इनसे ली थी। ठीक है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ यहीं से किया है, कहां से, गिलहार्डी से शिक्षा लेने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, मजा आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब पता है, चलो बताओ आगे। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं, बस वही क्वेश्चन है, घूम घूम के आता रहेगा, बस आंसर देना अपना काम है, बताओ व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट बताइए जल्दी से, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है, तेल, टेम्परा, वॉश, पेस्टल, सब पढ़ा चुके हैं, गलती कोई नहीं करेगा, जिसने गलती की बस छड़ी पड़ेगी, बताओ जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल आंसर है आपका, वॉश टेक्निक का यूज किया है। ठीक है, और ये जो वॉश टेक्निक ली गई है वो कहां से ली गई है, छापो जल्दी से फटाफट से, जो वॉश टेक्निक ली गई है ये कहां से ली गई है, और एक बार जल्दी से दिल को उड़ाएंगे, और जिसने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक बटन को भी प्रेस करेंगे, फटाफट से सभी लोग, वेरी गुड, सभी तक पहुंचा दीजिएगा क्लास को आप लोग, ठीक है, ताकि मालूम चल सके सभी को कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, काफी बच्चों को मालूम नहीं है, चलिए हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपका आ चुका है, क्या पूछा था हमने, कौन सी, ये कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है, वेरी गुड, आगे नेक्स्ट है, बंगाल की लोक कला जो है जीएन टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है, घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं, कैसी दिखती है, 21 बताइए, बताइए जल्दी से, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा ये, घनवादी। ठीक है, याद रखना है कि जो बंगाल की लोक कला है वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला में घनवादी दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें जो चित्र हैं वो गतिशील आकृतियां बनाई गई हैं, और इसमें इसमें भविष्यवादी असंतुलन और गति भी दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर,
पूछा गया है बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है, बताइए। फिर वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। चलो इसको हटाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर होता है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, पूछा गया है शांति निकेतन जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। अच्छा हाँ, अब आ चुके हैं लाइव, ठीक है, सभी को बता दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो जाती हैं, कभी कभी लाइव नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हाँ बताइए, 23 का क्या होगा। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है ये है अपने पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है ये तो बता दिया हमने, लेकिन इसका निर्माण कब होता है, मालूम है किसी को इसका निर्माण कब होता है? याद रखना है 1860 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो संस्था स्थापित होती है, इस संस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो है युवा छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना, इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताना है भारतीय शिल्प के जो सदंग ये पुस्तक लिखी गई है ये किस महोदय के द्वारा लिखी गई है, बताइए। यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। जूम कर दीजिए, कहे दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ जल्दी से। 24, भारत शिल्प के सदंग बताओ। अभी अभी जस्ट हमने बताया था कि जो इसका आंसर है उनका जन्म कब होता है, बताओ जल्दी से। देख पा रही हैं मैम, मैसेज देख पा रही हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम चश्मा लगाए हुए हैं, ठीक है, हमें दिख रहा है। आ जाओ जल्दी से आंसर करो। हाँ बिल्कुल आंसर आ चुका है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छा। इनका जन्म कब होता है जल्दी से छाप के बताओ, अभी जस्ट पढ़ाया है। हाँ किसी ने मैसेज भी किया था कि मैम जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। हाँ अब बहुत अच्छे, 1871 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, जोरांसको में होता है, कब होता है, जन्माष्टमी के दिन होता है, ठीक है। और वेरी गुड, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, शाबाश आगे चलते हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गीतांजलि के रचयिता कौन है, दिनकर हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, राजेंद्रनाथ हैं, कैलाश वाजपेयी। 25, गीतांजलि पूछ लिया गया है आपसे। अब आपको काम बन जाता है कि इनके बारे में जो मेन मेन पॉइंट है वो बता देना है आपको। इनका जन्म कब होता है जैसे पूछ लेगा, कहाँ होता है ये पूछ लेगा, इनको कुछ पुरस्कार भी मिलता है, कब मिलता है, ये सब बताना है आपको। हाँ बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, सभी ने आंसर बहुत खूबसूरत से दिया है, ऑप्शन बी होगा। लेकिन इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है ना जोरांसको कोलकाता में ही होता है, ठीक है। और कब होता है, 1861 में होता है, याद रखना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, किसके लिए मिलता है, इसी के लिए मिलता है क्या, गीतांजलि के लिए, बताओ जल्दी से। हाँ इसी के लिए मिलता है, याद रखना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश, नोबेल पुरस्कार मिलता है, बहुत अच्छा शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे बताओ। हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं लेकिन ये अवनींद्रनाथ टैगोर में ही लटके हुए हैं, बताइए, बता दीजिए। हम लोग भी बिल्कुल से डट के खड़े हैं कि आंसर तो बता ही देंगे, बताइए क्या होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे बताइए, किसके पिता थे, आपके हमारे किसके, हाँ भारतीय चित्रकला के ये पिता थे, याद रखना है। देखो पीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने भारत में बंगाल शैली को प्रारंभ करके वॉश चित्रण पद्धति को भी आरंभ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ शाबाश, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक क्या है बताओ। तीन बहनें हैं क्या, चैतन्य और मोर है, यूनियन है, अभिसारिका है, बताइए क्या होगा आंसर। 27, छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक पूछ लिया गया है आपसे। अच्छा ये बताना है आपको कि ये जो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी गए थे, उधर पे उन्होंने कुछ स्थापित किया था, कब किया था ये भी बताना है आपको, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, अभिसारिका होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी अभिसारिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ शाबाश, इनको क्या कहते हैं, संत कलाकार कहते हैं, वाह 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 बहुत अच्छे, संत महाराज, ठीक है, याद रखना है, संत कलाकार कहते हैं, बहुत अच्छा बता दिया। चलो बताओ जल्दी से, क्या आज बहुत क्या हो गया, वॉइस खराब हो रही क्या। चलिए
तो क्या है कि क्षितिजनाथ मजूमदार जो है ना, अभिसारिका, ये हमने बता दिया, ठीक है। देखिए जो क्षितिजनाथ मजूमदार है ना, ये बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या किया था कि 1942 में, याद रखना है, 1942 में कला विभाग की स्थापना कर दी थी, ठीक है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, अभिसारिका हो गया आपके सामने लिखा है, पालित मृग हो गया, क्या है पालित मृग लिख दें, ठीक है, पालित मृग हो गया, गुरु के द्वार पर लक्ष्मी, ये सब जो चित्र है ना, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। कौन से बताए हमने, तीन, अभिसारिका, दूसरा हो गया पालित मृग, तीसरा हो गया गुरु के द्वार पर लक्ष्मी, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल से याद रखना है। मैम जी मेरे पुराने मित्र कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा है, हमने किडनैप कर लिया है, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं, पढ़ लो चुप्पे, मित्रों की याद आ रही है। चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है, रामकुमार, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, शांति दबे, बताएंगे सभी लोग बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है। हाँ चैतन्य का ग्रह त्याग भी है उन्हीं का, शाबाश, बहुत अच्छा, क्षितिजनाथ मजूमदार का, ठीक है। इस पे आइए, अभी और बात करेंगे, हर चीज आएगी अपनी सामने, ठीक है, एक साथ नहीं बताएंगे अभी। हाँ नंदलाल बोस, अच्छा नंदलाल बोस होंगे, अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों की बात, ऑप्शन बी होगा, नंदलाल बोस ही हैं, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता महाविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया है, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की है, बताओ जल्दी से। 29, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करने वाले भाई साहब कौन है, बताओ, और कब की है ये भी बता देना छाप के, ठीक है। हाँ और इसको स्थापित करने वाले कौन है ये भी बता देना। चलो शाबाश, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा, ये है निरोध मजूमदार। देखो कलकत्ता ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ गया, ये है कलकत्ता ग्रुप, कब होती है इसकी स्थापना, तो ये 1943 में होती है, कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है, ठीक है। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है ना, वो मेनली आपके प्रदोष दास गुप्ता को जाता है, किसको जाता है, पीडी प्रदोष दास गुप्ता को जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो इसके मतलब जैसे ग्रुप बन गया, अब ग्रुप में कुछ सदस्य भी होते हैं, जैसे हम लोगों का ग्रुप बना है, हम मेन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे सदस्य के रूप में आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही आप लोग जो हैं, आप ही लोगों में से एक नाम निकल के आता है निरोध मजूमदार का, ठीक है। तो ये सदस्य के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना की थी वो आपके पीडी गुप्ता ने की थी, प्रदोष दास गुप्ता ने की थी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा किस माध्यम में बना है, बताओ क्या होगा, क्या हो गया, क्लियर नहीं है क्या, बताइए, क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को, कमी समझ में आ रही है क्या कहीं, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, दांडी यात्रा जो है किस माध्यम में पूछा गया है, ये है, और बनाने वाले कौन है, ये तो आपके सामने लिखा है, नंदलाल बोस हैं, ठीक है, चलिए वेरी गुड, लीनो कट माध्यम में बनता है, ठीक है, याद रखना है। नंदलाल बोस बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया था, ठीक है, और इन्होंने लगभग 10,000 चित्र भी बनाए हैं, समझ रहे हैं कितने महान भूति हैं ये, ठीक है। चलो दांडी यात्रा भी बनाया है, लेकिन माध्यम कौन सा है, लीनो कट है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है राम किंकर, अरे भाई इसके ऑप्शन तो है ही नहीं इधर पे, चलो ठीक है यही दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए इसमें, श्रीनिकेतन, सॉरी श्रीनिकेतन तो है, तीसरा लिख लीजिए शांति निकेतन, शांति निकेतन, पहले ऑप्शन देख लो भाई, ऐसे ही नहीं, फिर लिख लीजिए आप लोग चौथा ऑप्शन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, बताइए अब इसका आंसर आपको करना है कि रामकिंकर बैच की जो कला शिक्षा हुई है वो कहां पर हुई है, बताओ जल्दी से। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो ये सॉरी रामकिंकर बैच है ना, ये भारत के पहले आधुनिक मूर्तिकार हैं, याद रखना है, पहले आधुनिक मूर्तिकार हैं, याद रखना है, ठीक है।
वेरी गुड, अच्छा किया है, अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश। ठीक है, हाँ आंसर तो आपका आ गया है ऑप्शन सी होगा, ये शांति निकेतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और देखिए ये मतलब पहले आधुनिक मूर्तिकार थे, ये तो बता ही दिया। ठीक है, और इन्होंने कला की शिक्षा जो है ना, ये कला भवन शांति निकेतन से ही ली थी। ठीक है, और ये नंदलाल बोस के मतलब बहुत फेमस, क्या बोलते हैं उनको, शिष्य थे। नंदलाल बोस के ये शिष्य थे, याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो कला का डिप्लोमा लिया है ना, वो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ही इन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना ही काफी है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, ये तो वही ऑप्शन आ गए। चलिए बस एक क्वेश्चन, ये लास्ट है, इसके बाद ऑफ कर देंगे। बताइए, छितिनाथ मजूमदार को क्या कहते हैं हम? कथा चित्रकार, रसिया बोलते हैं, संत कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। और इनका जन्म कब होता है ये भी छापो जल्दी से, फटाफट से। देखो, इनको हम संत चित्रकार कहते हैं, अभी पढ़ाया है। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो 1891 में होता है, और ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अभी जस्ट पढ़ाया है, 1942 में कला विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और छितिननाथ मजूमदार जो है ना, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिसके कारण चैतन्य की मतलब चैतन्य की चटसाला और चैतन्य का ग्रह त्याग, पालित मृग, ये सब चित्रों की भी रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, और वैष्णव धर्म से संबंधित होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, संत चित्रकार बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, शाबाश। आगे, और क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर है, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सभी लोग बिल्कुल फास्ट वे में आंसर करेंगे। चलिए, शाबाश। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, शांति निकेतन की जो स्थापना है वो करने वाले महोदय कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर आप लोगों का आ रहा है बढ़िया, धीरे धीरे से, हौले वाले मटक मटक के। चलिए आंसर की बात करते हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए जो मतलब, अरे भाई देखिए, एक चीज याद रखिएगा, क्या होता है इसमें, एक स्टोरी सुनाते हैं हम। ठीक है, जिससे आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक इंसान होते हैं, उनका नाम होता है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर नाम का एक इंसान है, उन्होंने अपनी साधना के लिए कलकत्ता के पास में ही एक बोलपुर जगह है, वहां पर एक मतलब आश्रम की स्थापना कर देते हैं वो। ठीक है, और इसका नाम जो है बाद में रवीन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, शांति निकेतन रख देते हैं। मतलब जो आश्रम देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने साधना के लिए स्थापित किया था, उसी का नाम बाद में रवीन्द्रनाथ टैगोर जाकर शांति निकेतन रख देते हैं। ठीक है, याद रखना है। और 1901 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसमें एक छोटे से विद्यालय की भी स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज थी, इसकी स्टोरी आपको मालूम चल गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कि वॉश टेक्निक जो है, वॉश पद्धति, ये इसका जन्मदाता कौन माना जाता है, बताइए। बहुत बार पढ़ चुके हैं, हाँ बहुत अच्छे आंसर करेंगे सभी बच्चे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका, ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी रेखा शैली और जापान के वॉश चित्रण पद्धति के मिश्रण से बंगाल कला शैली को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इनका जो भारतीय कला को प्रमुख देन है वो वॉश चित्रण पद्धति ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है, जल्दी से छाप के बता दो। कल हमने बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई थी, कितने हाथ थे और कितना मतलब हर हाथ में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, और वो कौन स्त्री है, हर चीज हमने कल आपको पढ़ाई हुई थी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, भारत माता के हाथ में कौन कौन सी वस्तुएं हैं और कौन सी टेक्निक में बनी है, किस ईयर में बनी है, सब कुछ आप लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं सुमन जी, बहुत अच्छे, चार हाथ हैं, चलिए चार हाथ हो गए। रमा शंकर ने बता दिया है 1905 में बनती है, वेरी गुड। बनाने वाले कौन है, आरती यादव ने बता दिया है, वेरी गुड। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड। किलर गेमिंग ने बता दिया है, भारत माता के हाथ में पुस्तक है, माला है, अच्छा पुस्तक हो गई, माला हो गई, और दो चीजें हैं, अब दो हाथ और खाली हैं, दोनों हाथों में और क्या है बताओ जल्दी से, पुस्तक माला हो गया।
और क्या है भाई, बताओ जल्दी से, ऐसे चलना है धीमे धीमे, बताओ। हाँ चलो, वेरी गुड, एक हाथ में जौ भी आ गया आंसर। और चौथे हाथ में क्या है, बताओ जल्दी से। माला, बुक, जौ, ये तो हो गया, एक और है कुछ, क्या भूल रहे हो? शाबाश, वेरी गुड स्वाति, बहुत अच्छा, कमल है। ठीक है, तो इस तरह से चारों हाथ में एक एक चीजें लिए हुए हैं, 1905 में स्वतंत्रता के टाइम पर होता है, ठीक है, जब आंदोलन होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 36 क्वेश्चन है, पूछा गया है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से, फटाफट से करेंगे सभी बच्चे। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है बहुत अच्छे से आंसर देंगे आप लोग, बताइए। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, आंसर आपने दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विचित्रा क्लब की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत बिल्कुल मतलब सिंपल टाइप का, बताइए विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है, ये पूछा गया है। और साथ में अगर आप बता देंगे कि किसने किया है और कहाँ पर किया है तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अरे इसकी स्थापना पूछी गई है भाई, विचित्रा क्लब की स्थापना पूछी गई है सन। हाँ वेरी गुड, किसका आंसर आया है, यदुवंशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, ऑप्शन बी होगा, ये 1915 में होती है। ठीक है, याद रखना है विचित्रा क्लब की स्थापना कब होती है, 1915 में होती है, करने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखना है। और कहाँ पर किया है, पश्चिम बंगाल में किया है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में किया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे चलते हैं। पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है, बता दो, साथ में ये भी बताना है कहाँ पर हो, ये तो पूछा ही है, कहाँ होता है, कब होता है ये भी बताना है, और कौन से दिन होता है ये भी बताना है, कल बताया था सब कुछ, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, पूरा रिवीजन हम करवा देंगे, पढ़ाते पढ़ाते आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, वेरी गुड, जोरांस्को में होता है, और कब होता है, 1871 में, वेरी गुड अमन कुमार पाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, याद रखना है 7 अगस्त, 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, जोरांस्को में होता है, ये कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। ठीक है, और कौन से दिन होता है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी में होता है इनका जन्म, ठीक है, याद रखना है। और इन्होंने ही चीनी रेखा शैली और जापानी वंश पद्धति के मिश्रण से बंगाल शैली को जन्म दिया है, याद रखना है। ठीक है, याद हो गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्ट तो नहीं हो रहा है, बताएंगे सभी लोग, फास्ट तो नहीं हो रहा है। चलिए पूछा गया है यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बताएंगे सभी लोग क्या होगा। हाँ सभी लोगों को नमस्ते है, आ जाइए जल्दी से क्लास में। हाँ, और लाइक वाइक ना किए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो बच्चे, तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और सभी तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो चित्र षडंग की जो पुनर्व्याख्या है ये किस कलाकार ने किया है, ये पूछा गया है आपसे, तो बताना है आपको। हाँ चलिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड, चलिए आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बिल्कुल सही दिए हैं। देखिए एक वात्स्यायन की प्रसिद्ध रचना है कामसूत्र, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको सुन लीजिए कि वात्स्यायन ने जो कामसूत्र की एक टीका की व्याख्या की है, जिसका मतलब जिसको मतलब यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से किया था, इसकी इंग्लिश में एक फिर से एक व्याख्या कर देते हैं, कौन करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर करते हैं, और कब करते हैं, 1921 में कर देते हैं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं कि वात्स्यायन के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र, इसकी एक टीका की व्याख्या यशोधर पंडित करते हैं जयमंगला के नाम से, ठीक है, और इसी की इंग्लिश में एक बार फिर से व्याख्या करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1921 में किस नाम से इसकी व्याख्या की है, ये पूछा जाता है, तो ये लिख लीजिए आप लोग या फिर सुन लीजिए, ठीक है, या याद कर लीजिए देख कर ही। इसका जो नाम है सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, पेंटिंग, ये जो है ना कामसूत्र की इंग्लिश में व्याख्या की है, किसने की है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं से भी हम क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, रहेगा अपने मुट्ठी में ही। ठीक है, चलिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन
टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ, बताइए कौन नहीं है? हाँ, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, हमने तीन नाम तो सुने ही हैं, बिल्कुल ये राजेंद्रनाथ, पता नहीं कौन से विद्वान आ गए हैं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? एंड उम्मीद है बहुत अच्छे से बता देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हुआ है हमारा, बताइए। और ये भी बताना, अरे भाई, और ये भी साथ में बताना है कि ये जो प्रिंसिपल बनते हैं, प्राचार्य बनते हैं, ये कब बनते हैं, बताइए। चलिए आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ईवी हैवल वालों, बिल्कुल करेक्ट दिया है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये 1896 में ईवी हैवल हैं जो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रिंसिपल बन जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, सबसे पहले 1884 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्या कि सबसे पहले 1884 में ये मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल बनकर भारत आते हैं। कहाँ पर? मद्रास में प्रिंसिपल बनते हैं, कब? 1884 में। किसकी बात हो रही है? ईवी हैवेल की, ठीक है, याद रखना है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया है ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन कहने वाले कौन है, बताइए। और ये भी बता दीजिए, ताजमहल है कहाँ पर, मालूम है कि नहीं? कौन सी नदी के तट पर है, ये भी बता दीजिए। किस चीज से बना हुआ है, ये भी बता दीजिए। और इसको तैयार करने वाले कौन थे, ये बताना है। और इसके वास्तुकार कौन थे, ये भी बता दीजिए। सब कुछ बता दीजिए जल्दी से। वैसे भूलेगा तो नहीं आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कुछ याद रहे ना रहे ये तो याद रहेगा। ऑप्शन सी होगा, ईवी हैवेल ने ये कथन कहा है। ठीक है, ताजमहल की बात कर लेते हैं। तो ताजमहल जो है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, अमन कुमार ने दिया है, यमुना नदी के किनारे है, चलिए बहुत अच्छा, यमुना नदी के किनारे है। चलिए और बताइए कहाँ पर है? आगरा में है, रेखा रानी कह रही हैं आगरा में है, चलिए मान लेते हैं बात। बनवाने वाले कौन है? सफेद संगमरमर से बना है, यदुवंशी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है मान लेते हैं संगमरमर से बना हुआ है, चलिए। हाँ, अहमद लाहौरी ने बनवाया है, अच्छा, ठीक है। इसका डिजाइन जो तैयार किया है वो किसने? अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया है, चलिए इसको मान लिया। और बताओ कुछ नया पॉइंट? हाँ, 1632 से 1653 के बीच में इसका निर्माण होता है, प्रभात यादव कह रहे हैं, बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और आगे बताओ, और फैक्ट बताओ जल्दी से फटाफट से। हाँ, शाहजहां ने बनवाया है, वेरी गुड, शाहजहां ने बनवाया है। और बताओ नया फैक्ट जल्दी से, किसके लिए बनवाया है ये तो बताओ जल्दी से। अरे अपनी बेगम के लिए, किसके लिए? मुमताज के लिए बनवाया था, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार हैं, याद रखना है इसके वास्तुकार कौन हैं, इसके देखिए डिजाइन तो तैयार कर दिया था अहमद लाहौरी ने, लेकिन इसके वास्तुकार थे ईसा खां, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है, कौन थे? ईसा खां थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ 21 साल में बना था, बहुत अच्छा छवि जी, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश, बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों को, फटाफट से बताए हैं आप लोग। चलिए आगे पूछा गया है, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताना है, बताओ कौन है वो भाई साहब? जी आर संतोष हैं, लक्ष्मण पै हैं, केसीएस पणिक्कर हैं, गणेश पाइन हैं, कौन है? अब जो इसका आंसर है उसके जन्म की बात भी बता देना आप लोग, कि इसका जन्म कब होता है, ठीक है, और कहाँ होता है ये भी बता देना। चलो आंसर की बात हाँ इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, कुरान की आयतें लिखी हैं ताजमहल पे, वेरी गुड कुमुद वर्मा, वेरी गुड, इस पे आओ जल्दी से, अब 43 पे, हाँ शाबाश, वेरी गुड, पणिक्कर, पणिक्कर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, पणिक्कर नहीं भाई, गणेश पाइन होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, हाँ ऑप्शन डी होगा, क्या हो गया? गणेश पाइन होगा, ठीक है। अच्छा बताइए गणेश पाइन का जन्म कब होता है, बताइए जल्दी से, इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, किसी ने नहीं बताया अभी तक, हमने पूछा था पहले ही, 1937 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है? कोलकाता में होता है, किसकी बात है? गणेश पाइन की बात है, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। हाँ, मकराना से लाया गया था पत्थर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो इस पे आ जाओ, अब मुमताज को छोड़ो, अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बताओ बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, बताइए क्या होगा?
क्या होगा बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार पूछ लिए हैं, बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी होगा, यही है अपने अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन निकालते जाएंगे। ठीक है चलिए, पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जो प्रमुख चित्रण कार्य किया है वो कौन, इन्होंने कौन सी टेक्निक में किया है, ये पूछ लिया है आपसे, बताइए। बताएंगे सभी लोग, चलिए बहुत बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, वॉश टेक्निक होगा आपका आंसर। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बंगाल चित्र शैली में इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, वही क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में पूछ लिया है, बस बताइए। वही है आंसर, वॉश टेक्निक हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है, पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है द पासिंग ऑफ शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका माध्यम पूछ लिया। पहली बात तो यही याद रखना है किसने बनाया था, ठीक है किसने बनाया था, और अब जल्दी से फटाफट से सभी लोग छाप के बताएंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे। और हाँ, शाबाश, और इनके गुरु के नाम भी बताना है साथ में। ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा बताया है आंसर आपका, ऑप्शन ए होगा, ये गुआचे माध्यम में बनता है द पासिंग ऑफ शाहजहां। ठीक है इनके जन्म की बात करेंगे तो 7 अगस्त 1871 में होता है, अभी जस्ट बताया है। ठीक है कहाँ होता है, बंगाल के जोरांसको नामक गांव में होता है, और इटालियन चित्रकार गिलहार्डी और चार्ल्स पामर, इन दोनों ने इनको शिक्षा दी थी। ठीक है इनके गुरु थे ये। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए इनके जो चित्र हैं, चित्रों में बहुत सारे चित्र आ जाते हैं, जैसे बुद्ध जन्म हो गया, बुद्ध सुजाता हो गया, ताजमहल का निर्माण तथा शाहजहां की मृत्यु, ये सब जो चित्र हैं किसने बनाए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। ठीक है क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताएंगे सभी लोग, भारत माता किसकी रचना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब गलत कोई नहीं करेगा, बताइए जल्दी से। आंसर ही आ गया, चलिए ऑप्शन सी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, कब बनाया है, 1905 में बनाया है, कितने हाथ हैं, चार हाथ हैं, और क्या है, चारों में क्या है, कमल हो गया, कमल, जौ, पुस्तक, माला, इस तरह से। ठीक है एक एक हाथ में लिए हैं। आगे नेक्स्ट आ जाओ, रटवा देंगे सच में, बिल्कुल से रट्टू तोता हो जाओगे आप लोग एग्जाम तक। बताओ बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम क्या है, बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब गलत किया तो मार पड़ेगी, बताओ जल्दी से। बंगाल स्कूल के चित्रकार पूछ लिए हैं आपसे, और जो इसका आंसर है उसका जन्म स्थान और सब कुछ बताना है, और कौन सा, हाँ जो जो आता है उन इनके बारे में सब कुछ बताना है आपको, शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। जन्म की बात की जाएगी, कब होता है, 1891 में जन्म होता है, कहाँ होता है, कोलकाता के मुर्शिदाबाद में होता है, याद रखना है। ठीक है और क्षितिन्द्रनाथ ने जो शिक्षा ली है कला की, कहाँ से ली है, बंगाल स्कूल से ली है। ठीक है हाँ, और ये बहुत बड़े वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, संत कलाकार बोल देते हैं, याद रखना है। ठीक है और इन्होंने ही शिक्षण कला मतलब कि इलाहाबाद में एक विभाग की स्थापना भी की थी, कब की थी बताओ जल्दी से, कल बताया था हमने, इन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना की थी यहाँ पर इलाहाबाद में, कब की थी, फटाफट से छापो। शाबाश, जल्दी बताओ यार, बहुत धीमा चलते हो। इन्होंने कला विभाग की स्थापना, सो गए हैं सब सब, शाबाश, वेरी गुड, प्रभात यादव, बहुत अच्छे, 1942 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पूछा गया है भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठा कौन थे, बताइए। बताएंगे सभी लोग, पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे, सभी लोग बताएंगे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन ए होगा, ई वी हैवल, और प्लस साथ में कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। ठीक है वेरी गुड, शाबाश, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, बढ़िया हौले हौले से मटक मटक के। चलिए पूछा गया है भारत माता, हाय राम कितने बार पूछेगा भाई, बता दो जल्दी से, लगना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। चलिए
जितने बार पूछोगे हम उतने बार आंसर देंगे, आओ तुम कितने बार आओगे, ऑप्शन डी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ लिया गया है बंगाल कला शैली किस टेक्निक से जानी जाती है, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वही पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो आंसर हम बार बार देने के लिए तैयार हैं, वॉस टेक्निक होगा आंसर। ठीक है, पूछो तुम कितने बार पूछोगे। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। पूछा गया है किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी होगा, ये है यामिनी राय। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाएंगे सभी लोग, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, 54 पे आएंगे सभी बच्चे। चलिए, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये बंगाल स्कूल से माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है, बता दो, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल आंसर होगा आपका कौन सा, शाबाश, वेरी गुड, रथिन मित्रा, यहाँ के नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब देखने को मिल जाएंगे, अभी मिलेंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे पढ़ने को। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ लिया गया है बॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, बताओ कितने बार पूछेगा। हाँ, जितने बार पूछेगा उतने बार आंसर देंगे। वॉश पेंटिंग की शुरुआत करने वाले भाई साहब कौन है, बताओ जल्दी से। हाँ, शाबाश, कोलकाता ग्रुप की थी रतिन मित्रा, बहुत सही अनुपम जी, बहुत सही। चलिए अब जल्दी से, यहाँ कलकत्ता ग्रुप आया है तो चल, अरे यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप आया है तो जल्दी से इसकी स्थापना बताएंगे, जल्दी से कब होती है इसकी स्थापना, सभी लोग छाप के बताएंगे, और इसकी स्थापना किस वजह से होती है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो ये कलकत्ता ग्रुप है इसकी स्थापना 1943 में होती है, याद रखना है। ठीक है, और 1943 में ही अकाल पीड़ित बंगाल में हुआ था, ये भी याद रखना है, कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इस दल के जो मतलब कलाकार थे ना, वो ज्यादातर मतलब मानवतावादी थे, याद रखना है, जितने भी कलाकार थे सब मानवतावादी थे। ठीक है, जैसे रतिन मित्रा हो गए, गोपाल घोष और गोवर्धन आशु, कमलादास गुप्ता, ये सब जो है ना इसी के कलाकार थे। ठीक है, चलिए 56 पे आएंगे सभी लोग, बताएंगे क्या होगा इसका। वॉश पेंटिंग की जो शुरुआत की है वो करने वाले भाई साहब कौन है, बहुत बार पढ़े हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, अब ये आ गया दमदार क्वेश्चन, बताइए बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन, बस यहाँ वैष्णव नाम आ गया, अब तो भैया आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब बता दो कौन हो सकते हैं, बताइए कौन हो सकते हैं ये। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये हैं चितेंद्रनाथ मजूमदार, इसीलिए इनको संत संत कलाकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए जल्दी से कि जो चितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक रहे हैं, सभी को मालूम है, लेकिन कितने साल तक ये शिक्षक रहे हैं, बताइए इलाहाबाद में ये कितने सालों तक शिक्षक रहे हैं, मालूम है किसी को, बताइए, पता है किसी को। देखिए याद रखना है, ये 22 सालों तक लगभग यहाँ पर शिक्षक रहे हैं, याद रखना है, ऐसे नाम भी दे मतलब नंबर भी पूछ लेता है कि कितने सालों तक रहे हैं, लगभग 22 साल तक रहे हैं। ठीक है, और चितेंद्रनाथ मजूमदार ने ही क्या किया था, गीत गोविंद नामक एक चित्र श्रृंखला है, इसको भी बनाया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने ही श्री कृष्ण और राधा का चित्रांकन सबसे ज्यादा किया है, ये भी दिमाग में रखना। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर, बता दो जल्दी से, औरंगजेब का बुढ़ापा, बताओ जल्दी से ये किसकी कृति है, बताओ। इनका बुढ़ापा पढ़ते पढ़ते अपना बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक एग्जाम का कुछ पता नहीं हुआ है ना, जल्दी से आ जाओ, इनको भी नस्ते नाबूद कर दो क्वेश्चन को, औरंगजेब का बुढ़ापा बनाने वाले कौन है। हाँ देखिए, ये इसका आंसर वही होगा जिन्होंने भारत माता बनाई है। ठीक है, आलमगीर बनाया है, नूरजहां, गांधी, टैगोर, ये सब जो चित्र बनाए हैं किसने बनाए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं, और इन्होंने ही बना दिया है बुढ़ापा।
ठीक है, याद रखना है क्या क्या बनाया है। भारत माता, आलमगीर, नूरजहां, गांधी, टैगोर, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? इन्हीं ने बनाए हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताइए। नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक जो संस्था है, और इसको जो स्थापित किया है, किसके साथ मिलकर किया है और कब किया है, ये भी आप लोग बता दें तो मजा आ जाए। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा अनुपम जी, वेरी गुड अनुपम जी ने, धर्मेंद्र ने, बहुत अच्छा आंसर, मतलब पूछने से पहले ही आंसर का जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा। हाँ शाबाश, वेरी गुड आंसर होगा इसका, 1907 में स्थापित किया गया है, और किसने किया है तो आंसर तो आप लोगों ने बता ही दिया है, बहुत अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन क्या हुआ था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने साथ में जो अपने बड़े भाई थे गगनेंद्रनाथ, इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होता है ऑप्शन में, केवल गगनेंद्रनाथ ही होता है, तो आप लोगों को गगनेंद्रनाथ भी लगा देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना अवनींद्रनाथ हो तो लगा ही सकते हैं, आपके सामने ही है। चलिए आगे चलते हैं। पूछ लिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर काहे के लिए जाने जाते हैं, बताओ, बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ, यही अपनी वॉश टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं अभी। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर। तो प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित होती है, बताओ कहाँ से होती है, सभी लोग बताएंगे। वॉश टेक्निक के बारे में पूछा गया है, सभी बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ शाबाश, रोना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, हाँ आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका बंगाल स्कूल होगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। एक चीज याद रखिएगा, जो बंगाल स्कूल के कलाकार है ना, उन्होंने वॉश टेक्निक को ही अपना आधार बनाया है, ठीक है। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने स्वयं मतलब चीनी कला की रेखा और जापान की रेखा, मतलब दोनों को मिलाकर, इन दोनों से ही प्रेरणा लेकर जो बंगाल शैली है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, मेनली ये कहानी हुई थी वहां पे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, पूछा है, नहीं बोल दिया है उसने, अब बता दो कौन नहीं है, और जो नहीं है वो कहाँ का है ये बता देना साथ में, तो और मजा आ जाए। बताइए, जो इसका आंसर है वो कहाँ से है वो भी बताना है आपको, ठीक है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, आंसर तो बता दिए हैं ईश्वरी प्रसाद, ये हैं कहाँ के भाई साहब, इनका भी तो बताइए कोई पता ठिकाना। हाँ कहाँ के हैं, ईश्वरी प्रसाद कंपनी, अच्छा हाँ कंपनी शैली, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पटना शैली कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, कंपनी शैली ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में पुनरुत्थान जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से, पटना स्कूल, बिहार, बंगाल, ईस्टर्न स्कूल, क्या पूछा गया है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान बताओ जल्दी से, बदलाव कहाँ से आ रहा है। वेरी गुड, चलिए आंसर की बात करेंगे, देखिए आंसर जो है ना 19वीं शताब्दी में बंगाल स्कूल से माना जाता है, ठीक है। और भी काफी लोगों के मत हैं, जैसे ओसी गांगुली बोल देते हैं कि भैया पुनरुत्थान शैली का जन्म तो बौद्धिक मतलब कहाँ कहाँ से होता है दुनिया भर का, लेकिन हमें लेके चलना है अपना टॉपिक बंगाल स्कूल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो पूछ लिया जाता है न्यू बंगाल की जो स्थापना है वो करने वाले कौन है, बताइए, सभी बताएंगे न्यू बंगाल के बारे में। देखिए इसी को नव बंगाल कह दीजिए या न्यू बंगाल, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो मतलब ये क्या नाम है इसका, नव बंगाल या न्यू बंगाल कह दीजिए, ये जो है ना ये बंगाल शैली का ही एक रूप था, ठीक है। और बंगाल शैली के अधिकांश जो चित्रकार थे इनके द्वारा वॉश जो टेक्निक अपनाई गई थी ना, लेकिन क्या हुआ था, जिन कलाकारों ने टेम्परा पद्धति अपना ली थी उन्हीं रचनाओं को नव बंगाल शैली के अंतर्गत रख दिया गया था, और इसकी जो शुरुआत करने वाले थे कौन थे, ये नंदलाल बोस थे, याद रखना है, ठीक है, ऐसी कहानी हुई थी वहां पे। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा अनुपम जी, बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, पूछा गया है हरिपुर कांग्रेस के जो पोस्टर हुए थे, अब जल्दी से आपको छापना है कि इसका अधिवेशन जो होता है वो कब होता है और कैसी क्या इसमें चीजें होती हैं ये भी बताना है, और कब होता है ये सब कुछ बताना है आपको, बताइए।
और ये होता कहाँ है ये भी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, वेरी गुड, 65, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये है अपना आंसर, नंदलाल बोस संबंधित है, ठीक है। जो अपने नंदलाल बोस हैं ये लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर मतलब भारत कला प्रदर्शनी आयोजित करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये मंच की साज सज्जा करते हैं, और 1937-38 में ये हरिपुरा का पोस्टर बनाते हैं। तो कब की बात होती है ये, 1937-38 में करते हैं, याद रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है ये किसने सज्जित किया है, बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दार ने, चितिन्द्रनाथ मजूमदार या नंदलाल बोस, 66, बताइए। संविधान की साज सज्जा का बात हो रही है तो बताएंगे सभी। चलिए बहुत सिंपल सा है और बहुत अच्छे से आंसर आप लोग कर, हाँ शाबाश, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हैं भैया, आप तो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, शाबाश। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, डियर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा, ये है नंदलाल बोस, ठीक है। तो अपने जो नंदलाल बोस हैं इन्होंने ही किया था, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो नव बंगाल शैली किसकी देन है, अभी जस्ट पढ़ा है, जिसने टेम्परा का यूज कर लिया था वही नव बंगाल शैली के माने गए थे। अब कौन है, पढ़ा पढ़ाया है अपना, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉपी कर दिया है, ऐसे ही कॉपी अगर एग्जाम में हो जाए मजा ना आ जाए, एक साथ दो दो नंबर फ्री के मिल जाएं। चलो पूछा गया है नंदलाल बोस का नाम कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है, बताइए। सभी बताएंगे, और क्यों जुड़ा हुआ है ये भी मालूम है क्या किसी को, क्यों जुड़ा हुआ है, शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ ये तो बता दिया है आप लोगों ने नंदलाल, हाँ शाबाश, ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही आया है, शांति निकेतन से जुड़े हैं, ठीक है, क्यों जुड़े हैं मालूम है, देखिए नंदलाल बोस जो है ना इनका नाम शांति निकेतन संस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्यों, क्योंकि नंदलाल बोस जो है ये इंडियन मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला अध्ययन करते थे, ठीक है। फिर क्या होता है 1919 में ये शांति निकेतन चले जाते हैं, कब, 1919 में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है यहीं पर ये अध्ययन करते रहते हैं करते रहते हैं, और 1922 का टाइम आ जाता है, धीरे धीरे खिसकते खिसकते 1922 का टाइम आ जाता है, और यहीं पर ये कला विभाग में मतलब यहीं कला भवन में ये अध्यक्ष भी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका जो संबंध है ये शांति निकेतन से माना जाता है, समझ में आ रहा है ना, चिल्ला तो नहीं रहे ऐसे ही फालतू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का जो पंडाल है ये किसने सजाया था, भाई साहब बताओ कौन से भाई साहब हैं जिन्होंने इसको सजाने का काम किया था, हरिपुरा, फटाफट से बताएंगे, तो वही हैं जिनको बार बार पढ़ रहे हैं नंदलाल बोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितिन्द्रनाथ मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, बताओ जल्दी से, चितिन्द्रनाथ मजूमदार जो है वो कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, तो मालूम होना चाहिए ये इलाहाबाद में थे, बहुत बार बता चुके हैं, 1942 में ये वहां पर क्या बोलते हैं ललित कला विभाग में अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है, और ये 22 वर्ष तक यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और लेकिन क्या होता है इनके साथ एक घटना हो जाती है कि एमए की डिग्री नहीं होती है, इसके कारण ये मतलब प्रिंसिपल का पद नहीं ले पाते हैं, इसलिए 62 वर्ष की आयु में ही ये यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, मालूम है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा है नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है, बताइए, बार बार पढ़े हुए हैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है, तो पुनर्जागरण का ऑप्शन डी होगा, ये बंगाल शैली को जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा गया है बंगाल शैली के जनक कौन है, बार बार पढ़ रहे हैं इस पर टाइम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर का माध्यम कौन सा है, वही माध्यम है जो बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी, ये है जल रंग, ठीक है, ठीक बा, हाँ जल रंग, आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश बहुत अच्छे, चलो मतलब कि बतियाते भी रहते हैं सभी बच्चे बीच बीच में, वैसे कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं बतिया भी लेते हैं, बताओ बंगाल शैली का चित्रकार कौन नहीं है, पूछ लिया है, बताइए, और जो इसका आंसर है फिर से बता दो कि कहाँ का है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा,
नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। इनके प्रारंभिक कला गुरु पूछ लिए गए हैं, कौन थे? थक गए हैं क्या आप लोग? बताओ, थक गए हैं क्या? हमें लग रहा है कि जैसे थक गए हो बहुत भयानक तरीके से। बताइए जल्दी से, कल करवा दें इधर से? बताओ जल्दी बताओ, यहां से कल करवा दिए जाए? अच्छा, ये क्या होगा आंसर? गिलहार्डी थे, अलाग्री नायडू थे, जेनसन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे, बताइए। सभी लोग बताएंगे। हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आंसर की बात करेंगे, बहुत अच्छा दिया है, ऑप्शन ए होगा, ये इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ, अलाग्री नायडू से किसने शिक्षा ली थी, थियोडोर जेनसन से किसने शिक्षा ली थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने दो क्वेश्चन पूछे हैं, ये लोग आप ये जो बाद में देखते हैं ना ऑफलाइन क्लास, वो लोग आंसर देंगे इसका नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 पूछा गया है, उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम किया है, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ बहुत अच्छा। हाँ तो याद रखना है, ये जो गगनेंद्र कहाँ गए, ये है ऑप्शन बी में दिया है ना, ये गगनेंद्रनाथ टैगोर इनका राइट आंसर होगा। अब देखिए गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है, जल्दी से छाप देंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे इनका जन्म कब होता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे। चलिए देखो, एक चीज याद रखना है, ये जो गगनेंद्रनाथ टैगोर है, इनके जन्म की बात की जाए तो 1867 में इसका इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनके जो पिता थे गुणेंद्रनाथ, ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। ठीक है, और इसी मतलब लगभग क्या होता है कि ताइकॉन और हिशिदा, ये जो है ना, ये टैगोर परिवार से मिलने आते हैं, ये जापानी चित्रकार हैं जिसका नाम है ताइकॉन और हिशिदा, ये दोनों जो है ना, ये टैगोर परिवार से मिलने आते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ, इन दोनों ने उनकी टेक्निक विधियों को अधिक रुचि दिखाने लगे, कि मतलब जब ये दोनों मिलने आए तो ये लोग इनकी टेक्निक पर ज्यादा रुचि दिखाने लगे, और इन्हीं के द्वारा जो बनाए गए प्राकृतिक दृश्य चित्र हैं, इसमें जापानी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखता है, इसीलिए बोल देते हैं कि मतलब बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसलिए इनको बोल देते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, बंगाल से, कलकत्ता से, मद्रास से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैम ब्लर दिख रहा है, अच्छा सभी को ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ 77 पे आएंगे। हाँ पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु सैया पर शाहजहां, इसके चित्रकार कौन है, बताइए जल्दी से कौन है ये? तो शाबाश, चलिए आंसर की बात करेंगे, तो ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं ना, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला चित्र एक बार सुन लीजिए जल्दी से। पहला चित्र है इनका बिल्डिंग ऑफ ताज। ठीक है, दूसरा चित्र हमने क्या बताया है, अभी पढ़ लिया है, मृत्यु सैया पर शाहजहां। ऐसे ही तीसरा चित्र आता है शाहजहां के अंतिम दिन। ठीक है, ऐसे ही चौथा चित्र आता है भारत माता, पांचवा चित्र आता है भिक्षा, छठवां चित्र आता है देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, आलमगीरी, और नूरजहां, औरंगजेब, लैला मजनू, ये सब इन्होंने ही बनाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कवि कनकन, ये भी पूछ लेता है, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जितने भी चित्र बताए हमने वो किसके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ, ये एक भारत माता चित्र तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, लेकिन एक नग्न भारत माता चित्र बनाया था, वो किसने बनाया था, बताइए जल्दी से, अभी हम पढ़ेंगे आगे। अरे जल्दी से छाप के बताओ, तब तक हम क्वेश्चन लेके आते हैं।